हेलो फ्रेंड्स, बाइनरी टू प्रयागराज में आपका अतुल मैं अतुल शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ सी लैंग्वेज सीखने की इस कड़ी में। आज हमारा है एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट। दोस्तों देखो, ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग का हिस्सा तो नहीं होता है, लेकिन इसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना होगा, हमारे सी लैंग्वेज के एग्ज़ाम में, ओ लेवल के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिर इस चैप्टर को भी हम देख लेते हैं, फिर हम आगे अपनी सी लैंग्वेज को सीखने का कंटिन्यू रखते हैं। देखो, एल्गोरिदम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कैरी आउट एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। कहने का मतलब ये कि दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हमें कोई काम करना है और उस काम से रिलेटेड हम सारी की सारी एक्टिविटी को एक सेट पे रख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं हमें सुबह उठना है, हमें सुबह क्या करना है? एक ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उठना होगा। उठने के बाद फिर हमें क्या करना होगा? फिर सोना होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा? रेडी होना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा और फिर कार लेके कहाँ जाना होगा? ऑफिस पहुँचना होगा। मतलब काम था हमारा एक क्या? घर जाना, ऑफिस जाना, लेकिन हमें उसके लिए कुछ क्या करने पड़े? कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़े। वैसे ही जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में हमारा गोल तो होता है कि इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे, लेकिन उस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप उसकी जो स्टेप्स हम लिखते हैं वही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। बात समझ आ रही? इसी को क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम और कुछ नहीं होता, एक सिर्फ स्टेप्स होते हैं, किसी भी काम को करने के स्टेप्स होते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब हम एल्गोरिदम बना रहे हों तो हमारे पास एक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब कहाँ से एल्गोरिदम को हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ से हम क्या कर रहे हैं? एंड कर रहे हैं। तो हमारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाई स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सलूशन, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होगा। बस इसी बात को ध्यान रखना है कि हमारी जर्नल हम क्या करें, सो आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन करने का मतलब उसको जब कोड में करने से पहले हम उसका एल्गोरिदम बनाते हैं, फिर उसका हम फ्लोचार्ट बनाते हैं। फिर जो कोडर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, उस फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम को देख के अपने कोड को लिखते हैं। फिर देखिए, बस इतनी सिंपल सी बात है हमारे इस एल्गोरिदम में। अब बात करते हैं क्या फ्लोचार्ट की। फ्लोचार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब जो फ्लोचार्ट होता है ये पिक्टोरियल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एक प्रॉब्लम का। मतलब हमने अपने काम को लिख लिया कि हमें कोई काम करने के लिए क्या क्या करना है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। ये हमारा कहलाता है एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को हम किसी पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब किसी भी एक ग्राफिकल फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में अगर लिखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? एक फ्लोचार्ट कहलाता है। ये फ्लोचार्ट एक रोड मैप की तरीके से काम करता है एक प्रोग्रामर के लिए कि प्रोग्रामर को क्या करना है और कैसे करना है। फ्लोचार्ट के लिए दोस्तों कुछ सिंबल होते हैं जो कि यूज होते हैं। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस इसी से पूछा जाता है। फ्लोचार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाता है फ्लोचार्ट है क्या, ठीक है। और एक क्वेश्चन रेयरली आता है कि किसी भी टॉपिक पे आपको फ्लोचार्ट बनाना है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रॉब्लम पे आपको क्या एल्गोरिदम बनाना है। वो तो हम जब किसी प्रॉब्लम को समझने लगेंगे, धीरे धीरे हम जब प्रोग्रामिंग को समझने लगेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि क्या है फ्लोचार्ट और क्या है एल्गोरिदम। दोस्तों फ्लोचार्ट में कुछ सिंबल यूज होते हैं, उस सिंबल्स की मैं बात करता हूँ। ये एक सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। ये टर्मिनल सिंबल किस काम में आता है? किसी भी प्रॉब्लम को जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो बिगिन के लिए या फिर स्टार्ट के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ये सिंबल हमें ये बताता है कि हाँ, हमने अपनी ये प्रॉब्लम को क्या कर दिया भाई, हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। और देखो, स्टार्ट के लिए और एंडिंग के लिए सेम होता है, मतलब सेम सिंबल, सेम ग्राफिक्स, इसके दोनों के लिए क्या होता है? यूज होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? स्टार्ट एक्शन हेयर। हमारा एक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और हमारा एक्शन यहाँ पे बंद होगा। ये हमारे फ्लोचार्ट के सबसे टॉप पे लिखा जाता है और ये हमारे फ्लोचार्ट के सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ये सिंबल को क्या बोलते हैं? टर्मिनल सिंबल।
तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि टर्नल सिंबल हमारा किस किस लिए यूज होता है, फॉर द स्टार्टिंग ऑफ फ्लो चार्ट एंड एंडिंग ऑफ फ्लो चार्ट। फिर आगे बात करते हैं, इसे इनपुट और आउटपुट सिंबल बोलते हैं, इसे इनपुट क्या और आउटपुट सिंबल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी डेटा का अगर हमें इनपुट कराना है, देखो इनपुट का मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर डालना नहीं है, कि लॉजिकल फॉर्म में प्रोग्रामिंग की बात भाषा में बात करें, अगर किसी कोई भी डेटा है आपके पास, कोई भी डेटा 1 2 3 4 कुछ भी, उसको अगर आपको अपने कोड के अंदर रखना है, उस पर कोई ऑपरेशन कराना है, तो कीबोर्ड की मदद से जो हम इनपुट करते हैं वहाँ पे उस इनपुट से मतलब है। जब ये क्या करता है, जब हम ये सिंबल लिखते हैं तो हमारे जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडर होता है, जो कोडिंग करता है, उसको ये बात मालूम होती है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इनपुट लेना है। तो ये इनपुट का और आउटपुट का सिंबल दोनों का सेम होता है। ये हमारे प्रोग्राम में एक से कई बार भी यूज हो सकते हैं, जबकि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग एक बार स्टार्टिंग हो सकती है, एक बार ही भाई एंडिंग हो सकती है किसी भी प्रोग्राम में, लेकिन इनपुट और आउटपुट का सिंबल हम कई बार यूज करते हैं। टेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इनपुट एक्स कामा वाई, तो इससे क्या होगा, टेक टू वैल्यूज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड असाइन देम टू एक्स एंड वाई। इसी एक्सटर्नल सोर्स से एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करें और उसी वैल्यू को क्या करें, इसमें एक्स और वाई की जगह पे रख दें। प्रिंट एक्स कामा वाई, इसका मतलब होता है राइट द वैल्यूज कंटेंड इन एक्स एंड वाई ऑन ए टर्मिनल और स्क्रीन। कहने का मतलब कि ये क्या करे, प्रिंट करे एक्स और वैल्यू को किसी भी टर्मिनल या फिर हमारी मॉनिटर पे। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं, तो ये हमारा प्रोसेसिंग सिंबल है, ये हमारा क्या है, प्रोसेसिंग सिंबल है। इस सिंबल को बिल्कुल एक तरीके से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये भी है, लेकिन इसको इस तरीके से बोलेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेसिंग का सिंबल है। प्रोसेसिंग मतलब जैसे मान लेते हैं हमें कोई प्रोसेस कराना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है एक्स और वाई, अब एक्स और वाई को हमें ऐड करना है, तो हमने क्या लिखा यहाँ, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस हो रही है, एक प्रक्रिया हो रही है। भाई प्रोसेस तो सब है, सब में इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इससे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नया होता है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नया होगा। एक्स प्लस वाई असाइनिंग टू जेड, मतलब एक्स और वाई, जो एक्स और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे दी है और हमने प्रिंट कराया है, यही वैल्यू क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, जेड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब एड द वैल्यूज एंड प्लेस द रिजल्ट इन जेड, ये इसका कहने का मतलब है। दोस्तों यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि ये कौन सा कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन डायमंड सिंबल, इसको क्या बोला जाता है, डिसीजन डायमंड सिंबल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखेंगे इसके आने की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो डिसीजन डायमंड सिंबल में क्या होता है कि ये देखो एक फ्लो लाइन्स है, ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन्स इधर साइड भी हैं, यहाँ पे भी नीचे भी हैं और साइड में भी हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा ये कंडीशन, कंडीशन मतलब कोई रीजन, जैसे मैं बोलूँ अगर आपके पास 10 रुपये है तब आप ये काम करिए, नहीं तो नहीं करिए, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपके पास 10 रुपये है कि नहीं है। वैसे ही जब कंडीशन पे कोई बात लिखी जाती है तो उसके होने और ना होने के दो ही बात होती है, भाई आपके पास या तो 10 रुपये होंगे या तो फिर नहीं होंगे। अगर आपके पास 10 रुपये होंगे तब जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा इस साइड का होगा, अदरवाइज नीचे चला जाएगा। ये आगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट पे और अच्छे से समझेंगे इन बातों को, लेकिन अभी के लिए क्या होता है कि डिसीजन डायमंड सिंबल में जब कंडीशन सही होगी, यहाँ पे जो कुछ भी कंडीशन लिखी होगी, कंडीशन प्रोग्राम के हिसाब से होगी, जब ये कंडीशन सही होगी तब ये क्या होगा, कोड हमारा यस होगा, अदरवाइज फिर नो हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं फ्लो लाइन्स, क्या बोलते हैं इसको, फ्लो लाइन्स। ये फ्लो लाइन्स ऊपर के लिए साइड के लिए होती है और ये नीचे के लिए होती है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। ये क्या काम करती हैं, द एरो इंडिकेट द पास टू सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए, या फिर प्रोग्राम अब आगे कहाँ जाएगा, अब इसके आगे हमें कौन सी कोडिंग करनी है। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या लिखा, ये प्रोसेसिंग सिंबल लिखा, अब प्रोसेसिंग सिंबल के बाद हमें मान लेते हैं हमें इस साइड जाना है, हमें साइड में जाना है इसके, मान लेते हैं हमने ये ऐसा सिंबल लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये आगे जाने वाला है, उस साइड इसको जाना है, फिर साइड आना है, मतलब यही है कि हमारे ये क्या करता है, फ्लो को दिखाता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, फ्लो लाइन, कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसको आपको समझना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन मतलब एक दो नंबर का तो आ ही जाता है, लेकिन ज़्यादा से भी कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आपके आ जाता है, तो आपको इन बातों का क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस थोड़ी सी बात समझना है कि जो ना तो एल्गोरिदम और ना तो फ्लो चार्ट, कोई कोडिंग नहीं होती,
कोडिंग हम अपनी लैंग्वेज में करेंगे जो कि सी लैंग्वेज में करेंगे। बस हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले उस सॉफ्टवेयर के नीड को समझना होगा, उसकी ज़रूरत को समझना होगा, फिर हम ये सोचते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। पहले उसको हम किसी मान लेते हैं किसी कापी में वर्कआउट करते हैं और लिखते हैं कि ये ऐसे 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 काम होगा, उसको क्या बोल देते हैं, एल्गोरिदम बोल देते हैं। उस एल्गोरिदम को या फिर उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, और फ्लो चार्ट से प्रोग्राम और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम जो होती है और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि हमें इस काम को ऐसे ही करना है। और फिर उसी फ्लो चार्ट को देख के हमारा जो कोडर होगा, हमारा जो प्रोग्रामर होगा, वो क्या करेगा, उस कोड को कॉपी कर देगा और बस हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो जाता है। बस हमें इतनी सी बात सीखनी थी।